के नंबर वन शो साजिश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। और साजिश में आज बात युद्ध की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी की करते हैं। जिस युद्ध को जेलेंस्की 2023 में खत्म करना चाहते हैं, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जंग 2025 तक चलेगी। ये बात जेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर बनकर आई है, लेकिन इस दावे को लेकर पुतिन खुश क्यों? ये बात आप जानकर चौंक जाएंगे। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस युद्ध में 20 लाख से ज्यादा लोगों के मरने का भी डर है। ब्रिटेन का लिंकनशायर एयरबेस अचानक सायरन बजता है। पूरा स्टाफ एक्टिव हो जाता है। ये रॉयल एयरफोर्स की क्विक रिएक्शन टीम है। ये भगदड़ नहीं, एक मिशन का हिस्सा है जो अचानक शुरू हुआ है। फिर खुलता है एयरबेस का वो हैंगर जिसमें मिशन को पूरा करने वाला हथियार रखा गया है। ये है यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान। बाहर पीले रंग के बोर्ड पर लिखा है, जहाज पूरी तरह से मिसाइलों से लैस है, खबरदार रहें। यूरोफाइटर टाइफून हैंगर से बाहर निकलता है और फौरन टेक ऑफ कर जाता है। ये लॉन्ग रेंज मिशन है। रास्ते में मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जाती है। पीछे और यूरोफाइटर टाइफून तैयार है और वो भी टेक ऑफ करते हैं। मिशन बहुत खतरनाक है। हर जहाज पर मिसाइल और बम फिट है और इस तरह से यूरोफाइटर आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स ने करीब 2 मिनट का ये वीडियो इसलिए वायरल किया है ताकि मॉस्को में बैठे पुतिन को पता चल जाए कि यूक्रेन के बाद अगर युद्ध आगे बढ़ा तो अंग्रेजों की सेना तैयार है और रूस को करारा जवाब दिया जाएगा। ब्रिटेन ने अपनी तैयारी दिखा दी है, लेकिन क्या उसे मालूम है कि रूस और यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन के एक पूर्व जनरल और ज्वाइंट फोर्सेज कमांड के चीफ रह चुके जनरल रिचर्ड बैरन्स ने क्या कहा है? तो जवाब है कि जनरल रिचर्ड बैरन्स ने साफ साफ कह दिया है कि ये युद्ध 2025 तक चलेगा, यानी 2022 में शुरू हुआ यूक्रेन का युद्ध 2025 तक चलता रहेगा। सवाल है कि इस युद्ध में पुतिन की हार होगी या जेलेंस्की ये जंग जीत जाएंगे। यूक्रेन पर रोजाना मिसाइलों की बरसात कर रहे, रोजाना जेलेंस्की के शहरों में तबाही मचा रहे पुतिन ने बहुत साफ साफ बता दिया है। अपने हथियारों और अपनी फौज पर पुतिन को इतना यकीन है कि रूस के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि रूस को हराना नामुमकिन है। यह पुतिन की तरफ से यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को वार्निंग है। Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Но победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. लेकिन सवाल फिर से कि क्या ये युद्ध 2025 तक चलेगा? ब्रिटेन के एक पूर्व जनरल और ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के चीफ रह चुके जनरल रिचर्ड बैरन्स ने जो कहा है उसके मुताबिक अभी युद्ध 2023 में भी चलता रहेगा, ये युद्ध 2024 में भी चलता रहेगा और इस युद्ध को दुनिया 2025 में भी देखेगी। कुल मिलाकर यूक्रेन पर गोले बरसते रहेंगे, मिसाइलों से हमले होते रहेंगे। कीव से लेकर खार्किव और बखमूत से लेकर ओडेसा तक बहुत से शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। जो बातें ब्रिटेन के पूर्व जनरल रिचर्ड बैरन्स ने बताई है उसके मुताबिक यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस को पीछे धकेलने में नाकाम साबित होगा। ना ही ये पुतिन की सेना की मौजूदगी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाएगा। जनरल रिचर्ड बैरन्स ने कहा है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत का रूस के स्पेशल ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा है, ना ही पड़ेगा। हाँ, इससे सैनिकों के बीच पुतिन को लेकर वफादारी पर असर पड़ सकता है। रूस की फौज थकी हुई है, हथियारों की कमी है, लेकिन ये बातें तो यूक्रेन के साथ भी हैं और हथियारों की दिक्कत तो यूक्रेन के सामने ज्यादा है। ऐसे में युद्ध में इस वक्त इस दलील का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि रशियन आर्मी की सप्लाई लाइन बरकरार है। इस वक्त यूक्रेन के लिए नाटो ने अपनी तिजोरी खोली हुई है। लेकिन क्या पुतिन 2023 तक अकेले ये सब कर पाएंगे? क्योंकि फिर उनके सामने 2024 का भी साल है और उसके बाद 2025 भी है। रूस की सप्लाई लाइन कब तक नहीं थकेगी? अब ऐसे ऐसे वीडियो रूस से आ रहे हैं जिससे लगता है कि पुतिन का युद्ध अब बैकफायर कर रहा है। यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोदाम में आग की तस्वीरें हैं।
यहाँ से शहर का एक बड़ा तेल डिपो करीब ही है। आग कैसे लगी पता नहीं, लेकिन इसी वीडियो ने रूस में बेचैनी फैला दी है। जब भी रूस में कहीं आग लगती है तो लगता है कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया है, क्योंकि रूस पर अचानक से ड्रोन हमले तेज हुए हैं और जहां जहां ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले करते हैं वहां से आग लगने की ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। अब ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक यूक्रेन पर कब्जा रहेगा तब तक ना यूरोप सुरक्षित है और ना ही रूस चैन से बैठ पाएगा। क्रीमा або без Донбаса, без наших окупованих територій справжнього сталого миру в Україні, а це значить і на всьому європейському просторі не буде. Подивіться, будь ласка, що відбувається, коли Крим контролює Російська Федерація. ज़ेलेंस्की की बातों से एक बात तो साफ है कि वो कीव में अपने बंकर में बैठकर रूस की बमबारी का सिर्फ आकलन कर रहे हैं। वो रूस के मिसाइल हमलों को लेकर आक्रामक है, लेकिन सिर्फ अपनी वीडियो वाले स्टेटमेंट में ही उनका गुस्सा झलकता है और इससे पुतिन को अब तक कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। इसीलिए बड़ा सवाल फिर से कि क्या ये युद्ध 2025 तक चलेगा। ब्रिटेन के एक पूर्व जनरल और ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के चीफ रह चुके जनरल रिचर्ड बैरन्स ने जो कहा है उसके मुताबिक यूक्रेन का एयर डिफेंस मजबूत हुआ है। तोप के गोलों की कमी अब क्लस्टर वाले गोलों से पूरी की जा रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक में इनका रोल बढ़ा है और अब रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ने के लिए ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को क्लियर करके यूक्रेन के कमांडो ऑपरेशन का रास्ता आसान कर देंगे, लेकिन अब तक ये काफी मुश्किल साबित हुआ है। इस वक्त जिस तरह से पुतिन ने हमले बढ़ाए हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, क्योंकि शहरों में तबाही के साथ साथ डोनबास के मोर्चों से भी बहुत बुरी खबर आ रही है, जिससे एक बात साबित हो जाती है कि ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव या कहीं की काउंटर अटैक खटाई में पड़ गया है। ज़ेलेंस्की अब बारूदी सुरंगों के बीच घिर चुके हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ऐसे कई इलाकों में दाखिल हो चुकी है जहां चारों तरफ बारूदी सुरंग है। इससे ज़ेलेंस्की के टैंक तबाह हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की के सैनिक मारे जा रहे हैं और अब ज़ेलेंस्की सिवाय खड़े होकर देखने के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने अब बड़ी चुनौती रूस की सेना की जान लेना नहीं बल्कि अपनी फौज की जान बचाना है, और ऐसा बस एक हफ्ते में हो गया है। Але дійсно там, де перейшли вже в наступну лінію, ситуація дещо інша, тому що ворог значно сильніше укріплюється, і окрім уже безпосереднього замінування, ми бачимо і бетонні укріплення, наприклад, під основними пануючими висотами. І нашим Збройним силам доводиться дуже багато перепон долати для того, щоб рухатися. Але इस वक्त ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा चैलेंज तो अपनी फौज को संकट वाले इलाके से निकालना है। पुतिन की फोर्स ने बखमूत से लेकर ज़ापोरिज़्या तक सभी फ्रंट पर बारूदी सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसके बीच से निकलना अब ज़ेलेंस्की और उनकी फौज के लिए आसान साबित नहीं हो रहा। ऐसा लीमान में हो रहा है, ऐसा हाल बखमूत में भी है, ऐसा हाल अब दीविका और मरिंका में भी देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की कीव में बैठे हैं, लेकिन असलियत में वो पुतिन के इस बारूदी जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ज़ापोरिज़्या के पास आपको एक फ्रंट पर ले चलते हैं जहां लड़ाई आमने सामने की हो रही है। यहां ट्रेंच यानी युद्ध लड़ने के लिए गड्ढे खोदकर रास्ते बनाए गए हैं। ये पहले विश्व युद्ध जैसे हालात हैं। यहां कब किसे गोली लगेगी ये कोई नहीं जानता। यहां जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना जरूरी हो जाता है। रहम की, सरेंडर की और आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। यहां ट्रेंच में घूम घूम कर अपने मोर्चों और डिफेंस लाइन को और मजबूत करना पड़ता है। किस कोने में मौत छुपी है, किस कोने से ग्रेनेड हमला होगा, ये बस 2 सेकंड पहले पता चलता है और तब तक देर हो जाती है। इस बीच यूक्रेन की मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट को ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और ड्रोन को टारगेट कर रही है। बड़े बड़े कमांडर अब ऐसी यूनिट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस यूनिट ने रूस की एक क्रूज मिसाइल को स्टिंगर मिसाइल से मार गिराया था। Понимаєш, що прикриваєш дуже багато людей і ні одного дитину. Після того, що вже надивилися, скільки людей вже пострадало, погибло, то як би собі навіть і не простив би, якби її пропустив. Дарасель Вуз атак гелікоптер по кафі кам ऊंचाई पर उड़ा रहा है,
कहीं कहीं ये हेलीकॉप्टर पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जिससे जेलेंस्की की शॉर्ट रेंज वाली एयर डिफेंस मिसाइल को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। यूक्रेन की फौज बारूदी सुरंगों के बीच रहकर पूरी तरह से गिर चुकी है और वो रूस का आसान निशाना बन रही है। ये पुतिन की फौज की बहुत ही कारगर रणनीति साबित हुई है। इसने जेलेंस्की को यह एहसास दिला दिया है कि जो शिकार करने चला था वो खुद शिकार बन गया है। पुतिन की बारूदी सुरंगों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के बीच जेलेंस्की और उनकी फौज अब एक पुतले की तरह नजर आ रही है। या तो जेलेंस्की की फौज खुद को बारूदी सुरंगों से बचाए या फिर वो अटैक हेलीकॉप्टर की रेंज से बाहर रहे। जेलेंस्की की सेना ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि यहाँ रूस की डिफेंस लाइन ज्यादा मजबूत है। जेलेंस्की के लिए इस डिफेंस को तोड़ना आसान नहीं है। सामने बारूदी सुरंग है, स्नाइपर हैं और ड्रोन की निशानदेही पर यहाँ मोर्टार हमले भी होते रहते हैं। इन सबसे कोई बच भी जाए तो पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर तो यहाँ भी मंडराने लगते हैं और उनकी नजर में कोई हरकत आई तो वहाँ रॉकेट की बरसात हो जाती है। देखा जाए तो पुतिन के इस युद्ध को रोकने में जेलेंस्की तो फेल हुए, साथ ही उनका सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका भी बार बार पीछे हटता नजर आया है। नाटो तो पहले से ही पुतिन से घबराया हुआ है। पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन को नाटो से मिल रहे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उनकी टारगेट पर हैं और रूस की फौज का लगातार शिकार बन रही है। अब तक ऐसे 30% हथियारों को खत्म कर दिया गया है जो नाटो से मिले हैं, इसीलिए नाटो की मदद भी फेल साबित हो रही है और जेलेंस्की बहुत बड़ी मुश्किल में घिर चुके हैं, जिसमें से उन्हें सिर्फ रूस निकाल सकता है, ऐसा पुतिन के समर्थक दावा करते हैं।